नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर जोगले कह रहा। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है ए मेमोरेबल इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ, एक यादगार स्वतंत्रता दिवस। एक इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त से हमें क्या याद आता है? हमें याद आता है वो उल्लास, उमंग, सब झंडे और एक हम हाई पे रहते हैं, मोराल बहुत हाई रहता है। और फिर लाल किले से प्रधानमंत्री कुछ भाषण करते हैं, हिंदुस्तान आगे कैसे जाने वाला है वो दिशा बताते हैं, और हम भी बड़े उमंग से उसका स्वागत करते हैं, उसके लिए मेहनत करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन 2016 यह ऐसा वर्ष था जब हम हिंदुस्तान में नहीं थे। मैं गया था अमेरिका में मेरी बेटी के पास, स्फूर्ति के पास। तो स्फूर्ति रहती थी अमेरिका के दक्षिण में, लुइजियाना नाम के प्रांत में, और वहाँ का शहर था न्यू ऑर्लींस, वहाँ पे वो रहती थी। और हमको उसी दिन सुबह जाना था सियाटल, जहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। तो हमने बड़ी सुबह तैयारी की विमान पकड़ने की, लेकिन नाश्ता कहाँ किया जाए? तो न्यू ऑर्लींस ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट बहुत कम मात्रा में है। और फिर भी स्फूर्ति ने ढूंढ निकाला एक रेस्टोरेंट जहाँ पे एशियन रेस्टोरेंट था और जहाँ के आलू पराठे बड़े मशहूर थे, और रास्ते पे ही था वो एयरपोर्ट के। तो हम वहाँ चले गए, बड़ा अच्छा स्वागत हुआ। वो एक पाकिस्तानी कपल था और उनके दो तीन असिस्टेंट्स वो चलाते थे रेस्टोरेंट्स, और बहुत बढ़िया था। और उन्होंने हमको बिठाया, बात की वो कहाँ से है आप। तो हम जब कहा मुंबई से है, तो आप कहाँ से? बोले कि हम तो अभी अमेरिका में हैं, लेकिन हम बेसिकली लाहौर से है, तो आपसे अमृतसर से कुछ एक मील की दूरी पर। तो ऐसी अच्छी बढ़िया बातें चल रही थी। उन्होंने नाश्ता भी लाया और गर्मा गर्म पराठे, बहुत ही बढ़िया था। लेकिन हमने जब आसपास में देखा तो वहाँ पे जो लॉन था वहाँ पे कुछ फंक्शन की तैयारी चल रही थी। तो हमने मुझे क्या सुबह फंक्शन? बोला हाँ, ये सुबह की कुछ पार्टी है और एक फंक्शन है, वहाँ पे कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो हो सकता है अभी वीकेंड है तो पार्टियाँ तो होती रहेगी। और वो हर एक आदमी जो आ रहा था, हर एक कपल जो आ रहा था, वो अच्छे पोशाक में, अच्छे कॉस्ट्यूम में आ रहा था। तो हम भी तैयारी में थे, हमें तो पकड़ना था विमान। लेकिन जब वो पूरा उनका ग्रुप इकट्ठा हुआ, तब उन्होंने हमको देख के पूछा वो मालिक से कि इनको भी शरीक किया जाए, उनको भी बुलाओ पार्टी में। तो मालिक ने जवाब दिया कि वो विमान पकड़ने वाले हैं, उनका कुछ एक घंटे भर में विमान है। और दूसरा बात ये है कि वो मुंबई से है। वो मुंबई से है कहने से थोड़ा उनके चेहरे का थोड़ा सा बदल गया, रंग उतर गया। और वो फिर भी उनका जो आयोजक था वो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड बताया और कहा कि अरे कमाल है, आपका भी तो स्वतंत्रता दिवस है आज, तो चलो उनको मुबारकबाद देते। ये कहने से वो पूरा ग्रुप का, एक ग्रुप साइकोलॉजी नाम की जो चीज़ होती है वो हम अपने आँखों के सामने देख रहे थे। जाहिर सी बात है वो सब पाकिस्तानी लोग थे और आज वो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाने वहाँ आए थे। तो लेकिन अमेरिका है, थर्ड कंट्री है, वहाँ पे तो ग्रेसफुली बिहेव करना ही है। वो सब पूरा ग्रुप आया, हमको गले लगाया, हमको मुबारकबाद दी, हमने भी दी। और जो एक कुछ नाटकीय घटना घट सकती थी जहाँ पे, देखिए ऐसा है कि वो पाकिस्तान ये शब्द सुनने से ही हमारे मन में, दिमाग में कुछ ऐसा बर्ताव होने लगता है कि पूछे मत। हिंदू इंडो पाकिस्तान का मैच हो, इंडो पाकिस्तान का क्रिकेट, हॉकी, कुछ भी हो, एक अजीब सी हमारे मन में अलग भावना आती है। लेकिन वहाँ वैसे कुछ नहीं हुआ, हमने सबको बाय बाय किया, उनको बहुत धन्यवाद दिए, वो रेस्टोरेंट के मालिक को, और हम चल पड़े एयरपोर्ट में। हम सोच रहे थे कि एक सिंपल ग्रेस, छोटा सा वो आदमी अगर नहीं होता था तो हो सकता है थोड़ा सा ऑकवर्ड, कुछ होता नहीं था लेकिन ऑकवर्डनेस की फीलिंग ज़रूर आती। लेकिन एक आदमी ने थोड़ी सी दिलदारी बताई और वो घटना अच्छी घटना में बदल गई, यादगार घटना में बदल गई। हमने विमान पकड़ा, हम सियाटल पहुंचे और अपनी कम्युनिटी में जाने के बाद हमने बड़ी धूमधाम से, उत्साह से, उमंग से अपना स्वतंत्रता दिन मनाया।
इसलिए मुझको इतने सारे स्वतंत्रता दिवसों के बाद ये दिन खास याद रहा है आज तक, और मुझको लगता नहीं मैं कभी भूलूंगा। नमस्कार।